स्टूडेंट्स नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा तर्क एवं ज्ञान में अंतर। मैंने आपको जो प्रथम यूनिट थी उसको मैंने कंप्लीट करवाई थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसे टॉपिक थे जो छूट गए थे, इसीलिए मैं ये टॉपिक आपको बता रही हूँ। मैंने आपको अवबोध में अंतर बताया, अवबोध और ज्ञान में। आज मैं आपको तर्क एवं ज्ञान में अंतर बता रही हूँ। शिक्षण प्रशिक्षण में बताया, कौशल में और ज्ञान में अंतर बताया, उसी तरह से मैं आज आपको तर्क एवं ज्ञान में अंतर बताऊंगी। जिस तरह से हमने अवबोध का अर्थ जाना था कि अवबोध का अर्थ होता है समझना, उसी तरीके से हम तर्क को देखें तो तर्क का, जिसे हम कहते हैं लॉजिक, तर्क को हम कहते हैं लॉजिक, यानी कि तर्क हमारा विचार होता है, अवबोध हमारा समझना होता है। हम उन विचारों को समझते हैं, अवबोध में पहचान करते हैं, लेकिन तर्क में कहते हैं तर्क हमारा लॉजिक होता है। अगर हम कहें कि तर्क और ज्ञान एक है तो नहीं, तर्क और ज्ञान में अंतर पाया जाता है। तर्क होता है हम कहें कि ज्ञान जिसकी हम प्राप्ति करते हैं वो हम इस तर्क के आधार पर करते हैं, अर्थात लॉजिक के आधार पर। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई लॉजिक होता है। लॉजिक, अब हम इसको ये कह सकते हैं तर्क हमारे लिए कोई कारण हो सकता है, यानी कि तर्क क्या हो गया हमारा कारण, लॉजिक हमारे विचार, यानी कि किस कारण हम इस कार्य को कर रहे हैं। विचार हमारा जो कारण, मतलब ये कहें कि विचार कारण, कल्पना जो हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं, हम इसको कहें कि हम किस तरह से, या फिर हम कहें कि ये हमारा निष्कर्ष परिणाम, यानी इसी के आधार पर हम क्या तैयार करते हैं हमारा परिणाम, हम इसके आधार पर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अर्थात तर्क हमारा ज्ञान में छुपा हुआ होता है, या तर्क के द्वारा हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो हम यही कहते हैं कि जो हम विचार करते हैं उसका संबंध उस विचार से होता है, हम निष्कर्ष निकालते हैं, हमारी कल्पना होती है या हमारा कारण है, वही हमारा लॉजिक है। अर्थात किसी कार्य को करने के पीछे जो कारण छुपा हुआ होता है वो हमारा लॉजिक होता है। इसे हम क्या कहते हैं, हमारा लॉजिक, कि क्या हमारा लॉजिक है। अब इसमें हम कहें कि जो हमारी विविध प्रकार की जो कल्पनाएं होती हैं उनका समावेश किसमें होता है, हमारा तर्क में। अब हम एग्जांपल ले लें कि जो हमारे कौन थे, न्यूटन साहब थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का जो उन्होंने एग्जांपल दिया था, या गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत स्थापित किया था न्यूटन ने, तो वो कैसे किया था उन्होंने, जब वो एक पेड़ के नीचे, कहते न्यूटन ने उनका लॉजिक था उस गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत था उसको लागू करने के लिए, कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जैसे वो पेड़ के नीचे बैठे तो उसके नीचे से वो, जब वो सेब नीचे से गिरते हैं तो सेब को नीचे गिरते हुए उन्होंने पाया कि ये सेब ऊपर से नीचे कैसे गिर रहे हैं, ये सेब ऊपर से नीचे किस कारण गिर रहे हैं। तो उनका ये तर्क, उनका ये विचार जाएगा, वो तर्क उन्होंने ये तर्क, ये सोचा, ये कल्पना की कि ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है, तो उस क्यों के पीछे, उस कारण के पीछे उन्होंने उस गुरुत्वाकर्षण बल की जो खोज की थी। तो कहते हैं कि जब हम ज्ञान की खोज करते हैं तो ज्ञान की खोज के लिए हमारे पास तर्क जरूर होता है, अर्थात कारण, जो कार्य हम करते हैं, जिस ज्ञान को, जिस विषय को हम ले रहे हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति के पीछे, उस ज्ञान को, या हम कहें उस कार्य को करने के पीछे हमारा तर्क छुपा हुआ होता है, हमारा रीजन होता है कि हम किस लिए वो कार्य कर रहे हैं। वो या तो हमारे किसी विचारों की उत्पत्ति होती है, या हम जो कार्य करें उसके निष्कर्ष के रूप में हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हम उस कार्य को कर रहे हैं कि कार्य क्यों किया, किसने किया, अर्थात ये हमारा लॉजिक होता है। हम कहते हैं जब लॉजिक होता है जब ही हमारी अवबोध की समझ आती है, अर्थात हम उसको समझते हैं, और यही प्रक्रिया चलती है कि ज्ञान में ये छोटी छोटी चीज़ें, हम कहें कि ज्ञान और तर्क, जिनका प्रत्यय हम कहते हैं कि होता तो समान है लेकिन दोनों में अंतर बहुत
जाता है। हम कहें कि ज्ञान जिसे हम प्राप्त कर रहे हैं, अब लेकिन वो ज्ञान की प्राप्ति जब तक हमारे सामने हमारा लॉजिक नहीं होगा, हम उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसीलिए आज मैंने आपको तर्क के बारे में बताया है। अब तर्क और ज्ञान में अंतर को मैं आज स्पष्ट कर रही हूँ। तो प्रथम हम देखते हैं कि ज्ञान क्या है, तर्क क्या है, हमारा ज्ञान प्राप्त करने का स्रोत है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है, हम उस रास्ते पर चलते हैं, हम ज्ञान प्राप्त करने का इसको एक स्रोत मानते हैं। कहते हैं कि तर्क हमारा आधार होता है, प्रारंभ होता है कि हम किस आधार पर उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें कहते हैं कि ज्ञान हमारा क्या होता है, ज्ञान का तर्क हमारे ज्ञान का स्रोत होता है। अब इसमें दूसरा हम इसमें अंतर देखें कि ज्ञान में क्या छुपा होता है, तर्क में निहित सत्य ही ज्ञान होता है। कहते हैं कि ये स्रोत जरूर है हमारा, यानी कि हमारा माध्यम किसको प्राप्त करने का, ज्ञान को, लेकिन उस तर्क में जो हमारी सत्य बातें छुपी होती हैं, जो फैक्ट हो जाती हैं, वो सत्य हमारा ज्ञान का रूप लेती है। अगर वो स्रोत वो बातें हमारी सत्य है तो वो हमारा ज्ञान का रूप नहीं लेती। तो कहते हैं कि उस चीज की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति का स्रोत है हमारा तर्क, लेकिन जो तर्क में, जिस तर्क में हमारा सत्य छुपा हुआ होता है, वो हमारा ज्ञान होता है। सेकंड है सत्यता एवं प्रमाणिकता सिद्ध होने पर क्या करते हैं, इसको ज्ञान में शामिल करते हैं। हम देखते हैं कि जो सत्य हो जाती है, कहते हैं ना विचार तो हमारे मन में अनेकों उठते हैं, लेकिन उन विचारों को जो अंतिम रूप मिलता है, जो विचार हमारे अंतिम चरण तक पहुंचते हैं, या हम कहें जो हमारे परिणाम के रूप में हमारे सामने आते हैं और वो परिणाम हमारे लिए सत्य प्रमाणिक होते हैं, वही हमारे क्या बनता है, हमारा सत्य बनता है। लेकिन जो हमारा तर्क होता है, सत्यता एवं प्रमाणिकता सिद्ध होने पर ज्ञान में शामिल। कहते हैं कि जब तक इनकी सत्यता, जो विचार हमारे सही साबित नहीं होंगे, प्रमाणिक साबित नहीं होंगे, जब तक तो वो क्या है, हमारे तर्क। क्योंकि हमारे विचार तो विभिन्न हो सकते हैं और सारे विचार जरूरी नहीं हमारे सत्य में शामिल हो। तो कहते हैं कि जो हमारे, जब तक जो विचार हमारे दिमाग में उठ रहे हैं, वो हमारा तर्क है। लेकिन जब किसी रूप में असत्य नहीं, यानी कि जो यहाँ पर हमारा असत्य है वो भी तर्क है, सत्य है वो भी तर्क है, लेकिन ज्ञान में जाने के बाद अगर जो असत्य फैक्टेड है, जो असत्य बातें हैं, वो हमारे सत्य, हमारे ज्ञान की श्रेणी में नहीं आते। क्योंकि ज्ञान में हमेशा सत्यता छुपी होती है, सत्य बातें छुपी हुई होती हैं, वो असत्य के लिए ज्ञान में कोई बातें नहीं होती, या हम कहें कि असत्यता ज्ञान में शामिल नहीं होता, इसमें किसी भी रूप में असत्य शामिल नहीं होता। इसे हम कहते हैं कि तथ्य फैक्टर चीज इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें कहते हैं कि विचार जब तक है हमारे, कहते हैं कि तर्क हमारे सत्य भी है, हो सकते हैं और असत्य भी, लेकिन ज्ञान हमारा असत्य कभी भी नहीं होता, वो तथ्यात्मक होता है, प्रमाणिक होता है। सेकंड है हमारा घटना से जोड़कर ज्ञान का विषय, यानी कि कहते हैं जब तर्क है तो तर्क किसी घटना से जुड़ता है, यानी कि हमारे दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में जब विचार उठते हैं, जब उन विचारों की उपज होती है, तो वो विचार हमारी किसी ना किसी घटना के पीछे छुपा हुआ होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि न्यूटन के सामने जो वो घटना घटी थी कि जब पेड़ से नीचे सेब गिर रहे, तो उनके दिमाग में उस घटना के पीछे ही उनके तर्क उनके दिमाग में उठे, उनके विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने वो ये सोचा कि ये आखिर क्यों गिर रहे हैं, जो क्यों था उनका, वो कारण था उनका, घटना थी उनकी। तो कहते हैं कि तर्क हमारा हमेशा घटना का विषय होता है, वो घटना से संबंधित अपना टॉपिक बनाता है और उसी के पीछे अपना कार्य करता है, अर्थात लॉजिक हमारे कारण के पीछे छुपा हुआ होता है, घटना के पीछे छुपा हुआ होता है। लेकिन जो हमारा ज्ञान है,
जब ये घटना घटित हुई, इस घटना के बाद जो सारे कार्य न्यूटन जी ने किए और उसके बाद में जब उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की स्थापना करी और उसको सही सिद्ध कर दिया, वो सत्य जो घटना से संबंधित ना होकर क्या हो गया हमारे लिए? प्रमाणिक। यानी कि ये घटना से संबंधित नहीं होता, ये हमारा जो फैक्ट, हमारा निष्कर्ष निकल गया, जो सत्य हो गया, वो हमारे ज्ञान की श्रेणी में आ गया। यानी जब तक वो घटना से संबंधित है, उस पर जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो हमारे तर्क के पीछे हैं। लेकिन जब वो घटना से संबंधित ना होकर और सत्य रूप लेते हैं, निष्कर्ष का रूप लेते हैं, तो वो ज्ञान की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर है हमारा इसका, इस तर्क का जो संबंध होता है वो कल्पनाओं से होता है। अर्थात कल्पना हमारी सत्य भी हो सकती है और कल्पना हमारी असत्य भी हो सकती है। जैसे हमने कहा ना कि पहले जब हमारे जो चिड़िया, जब जानवर चिड़िया आकाश में उड़ती थी तो उसको देखकर ये होता था कि किस तरीके से, उन्हीं को देखकर जो हमारे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने किसकी किसकी स्थापना की थी, उन्होंने किसका जो आविष्कार किया था, हमारा जो आज हमारी टेक्निक, जो हमारी आज हवाई जहाज बनी है उसके आधार पर उन्होंने कहा, जो पक्षी पंख बन के और उसी की ही आकृति के अनुसार जो कल्पना उन्होंने बनाई, उसी आकृति के अनुसार उन्होंने ये जो हमारे आज का विमान है, कहते वायुयान वो बनाया, तो वो क्या थी? कल्पना। क्योंकि उन्होंने पहले मस्तिष्क में कल्पना की कि क्या हम ये चीज कर सकते हैं। तो कहते हैं कि कल्पना, तर्क हमारा सत्य भी हो सकता है और असत्य भी। अर्थात कल्पना जरूरी नहीं है कि सारी कल्पनाएं हमारी सत्य हो। फिर है हमारा ज्ञान के लिए, तो ज्ञान के क्या है? ज्ञान कल्पनाओं से दूर होता है। ज्ञान क्या है? हमारा तर्क है, हमारा फैक्टेड है। यहाँ जहाँ हमने कल्पना की कि पक्षी जिस तरह से आकाश में उड़ते हैं पंखों से, उसी तरीके से हम कोई ऐसा विमान बनाएं जो आकाश में उड़े, तो ये कल्पना थी। लेकिन जो विमान बनकर हमारे सामने आ गया, तथ्य प्रमाणिकता आ गई कि एरोप्लेन, हवाई जहाज जो बन चुकी है, वो हमारा ज्ञान बन गया। यानी कि ज्ञान को हम कह सकते हैं कि ज्ञान हमारा अंतिम निष्कर्ष होता है, हमारा तथ्य होता है। फिर है व्यक्तिगत विचार या भावनाओं से, कहते हैं कि इसके अंदर हमारे तर्क के अंदर सबके क्या होते हैं? विचार। व्यक्ति के स्वयं के विचार, उसकी स्वयं की भावना। यहाँ तर्क हमारे भावना और विचारों से जुड़ी होती है, और भावना किसकी? व्यक्ति से। यानी कि वो खुद अपने व्यक्तिगत उसके विचार होते हैं। लेकिन जो हमारा ज्ञान है, ज्ञान के लिए कहते हैं कि ये व्यक्तिगत है लेकिन ये सार्वभौमिक है। जहाँ हमने ये व्यक्तिगत विचार जो अपनाए, इन्हीं विचारों को जब हम सार्वभौमिकता की श्रेणी में लाते हैं, उसको सभी सत्य मानने लग जाते हैं, तब वो ज्ञान बनता है। जब तक व्यक्ति स्वयं उस विचार को मानता है, स्वयं ही अकेला उसको उसके विचार जागृत होते हैं, तब तक हमारा तर्क ज्ञान नहीं बनता। लेकिन जब वही तर्क हमारा सार्वभौमिकता की श्रेणी में, यानी जिसे सब सत्य मानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ में बन जाता है, तब वो सत्य हमारा ज्ञान बन जाते हैं। इसके लिए हम कहें कि विविध विशेषज्ञ हमारे कहते हैं अनुसंधान भी करते हैं, इसके लिए परीक्षण करते हैं, तो ये जो प्रमाणिक, उसको प्रमाण करने के लिए जब उसको प्रमाणिकता दे दी जाती है, तो वो हमारा सत्य बन जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा तर्क है उसका क्षेत्र हमारा सीमित होता है, क्योंकि उसमें व्यक्ति के विचार होते हैं, कल्पना होती है। लेकिन कहते हैं कि जो ज्ञान है, अगर हम इसको देखें, ये तो हमारा शुरुआत होता है, कार्य को करने की शुरुआत होती है, तो सीमित हुआ। लेकिन जो हम कार्य करते हैं, हमारे अंत तक, जो हमारा अंत तक आ जाती है इसकी प्रक्रिया, हमारा निष्कर्ष आ जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? हमारे ज्ञान। कहते हैं कि ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है? व्यापक होती है। तर्क में तो हम सोच विचार कर कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम विधियों का, हमने किस तरह से इसको प्रमाणित किया, वो सारा हमारा यहाँ पर आता है। तो कहते हैं कि इसकी प्रारंभ से अंत तक की क्रिया है। फिर नेक्स्ट है ज्ञान की खोज का मार्ग। मैंने पहले भी बताया था कि ज्ञान जो विषय है हमारा, उसको किस तरह से खोजना है, उसकी प्राप्ति का मार्ग होता है हमारा तर्क, अर्थात हमारा कारण कि हमें किस तरीके से उस मार्ग पर
चलना है। और हम देखें तो ये क्या है, हमारी जो हमारा ज्ञान है वो हमारी विकासात्मक स्थिति है। कि कहते हैं कि यहाँ हमने ज्ञान को खोजने की चीज की है, लेकिन व्यक्ति जो आगे प्रोग्रेस करता है, जो बढ़ता है, वो कहाँ से करता है, ज्ञान से। तो ज्ञान के लिए हम कह सकते हैं कि ज्ञान क्या है, हमारी एक विकासात्मक स्थिति है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम संश्लेषण विश्लेषण, अर्थात जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम उसे एक करके भी देखते हैं, उसको विभाजन करके भी देखते हैं, जब उसके निष्कर्ष पर कोई असर, कहते हैं कि वो जब उसका निष्कर्ष एक ही निकलता है, सत्य हो जाता है, तब हम उसे सत्यता की प्रमाणिकता देते हैं और उसे ज्ञान की श्रेणी में लेते हैं। तो कहते हैं कि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, तर्क जहाँ एक सीमित होता है। फिर कहते हैं कि जो हमारा तर्क होता है वो हमारा अंतिम सत्य नहीं होता, वो प्रारंभिक स्थिति होती है हमारी, इसलिए उसको हम प्रारंभिक बोलते हैं, हम उसको अंतिम सत्य नहीं बोलते। जबकि ज्ञान हमारा अंतिम सत्य है, अगर हमने ज्ञान प्राप्त किया है तो उसके आगे हमारा कोई भी सत्यता का प्रमाण नहीं है, ज्ञान ही हमारी अंतिम कड़ी है। फिर कहते हैं कि जो हमारा तर्क है वो प्रारंभिक क्रिया है और ये हमारी अंतिम क्रिया है। तो ये हमारे आज का तर्क अर्थात लॉजिक और मैंने ज्ञान में आपको अंतर बताया है। तर्क मैंने बताया आपको कि तर्क आखिरकार होता क्या है, जिसे हम लॉजिक कहते हैं, कारण कहते हैं, हम विचार कहते हैं। तो कहते हैं कि ये हमारा जो हमारे विचारों की एक प्रकार की कहते हैं कल विविध प्रकार की कल्पनाओं का शोध होता है हमारा तर्क, जिसे हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हमारा कारण, हमारी कल्पना, हमारा ये सब हमारा क्या होता है, तर्क है। और ज्ञान मैंने आपको पहले बताया था कि ज्ञान होता है हमारी सत्यता को प्राप्त करना, जिसके द्वारा हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, जिसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, तर्क एवं ज्ञान में अंतर। धन्यवाद।